नमस्कार मु तपन आसीबा संपूर्ण खबर को जेल नु आसीबा परे हनुमान मंदिर जाई दर्शन कले आउ ता परे गर्जिले अबकारी दुर्नीति रे गिरफ होई पूणी एबे अंतरिण जमीन आसीथिबा दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी नेता बीजेपी उपरे धूम बरसी छंती। 21 दिन रे सारा देश बुली बीजेपी विरोध रे से जोरदार प्रचार करिवे बोली दिल्ली रु देई छंती रणहुंकार। अबकारी दुर्नीति रे गिरफ होई 50 दिन जेल रे रही अंतरिण जमीन आसवा परे बे फुल दम रे दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल। दिल्ली कॉर्नर प्लेस हनुमान मंदिर रे दर्शन परे साधारण सभा को उद्बोधन देछंती से। सुप्रीम कोर्ट तांको 21 दिन पई अंतरिण जमीन देछंती आउ एही 21 दिन रो से पूरा फायदा उठाइबे बोली कहछंती। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, मोदी की गारंटी को नहीं बीजेपी ऊपर सीधा हमला कर छंती केजरीवाल। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा। एथर बीजेपी कौन से हालत रे भी सरकार गढ़ी पारिब नाही बोली कहछंती दिल्ली मुख्यमंत्री। आंगूठी गणी राज्य बारे हिसाब थोइछंती से। 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है, यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है, बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। अबकारी
दुर्नीति गिरफ होगा पर कहीं केजरीवाल मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देना चर्चा चली तार उत्तर रखिंट निजे दिल्ली मुख्यमंत्री मेरे लिए सीएम पद इम्पोर्टेंट नहीं है आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56% वोट एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती राजनीतिक षड्यंत्र रचा केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी उन्होंने यह षड्यंत्र रचा मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे कतई इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए थी अगर हमने इस्तीफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो सरकार गिरा दो उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो सरकार आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं इसको समझ लेना वर्तमान सरकार आगामी उद्देश्य कौन अतीतर ट्रैक रिकॉर्ड को उदाहरण करी उपस्थापन करिसंती केजरीवाल जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे उनको सबको निपटाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया संजय सिंह को जेल भेज दिया सतेंद्र जैन को जेल भेज दिया केजरीवाल को जेल भेज दिया हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं अगर ये चुनाव जीत गए मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी तेजस्वी यादव जेल में होगा स्टेलिन साहब जेल के अंदर होंगे पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे अगर ये चुनाव जीत गए इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया उसकी राजनीति खत्म कर दी वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी अब अगला